नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारत के खिलाफ छद्म युद्ध में पाकिस्तान ने किया था आतंकवादी संगठन का इस्तेमाल। पाकिस्तान 90 के दशक के आखिर में इस डर से आतंकी संगठन हरकत उल अंसार को समर्थन देने से पीछे हट गया था कि अमेरिका उसे आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची में डाल सकता है। पाकिस्तान ने 90 के दशक में भारत के खिलाफ छद्म युद्ध के लिए इस संगठन का इस्तेमाल किया था। CIA की हाल ही में सार्वजनिक की गई गोपनीय रिपोर्ट में यह बात कही गई है। एजेंसी ने अगस्त 1996 की अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि हरकत उल अंसार ने कश्मीर और मई 1996 में लाजपत नगर बाजार में हुए बम विस्फोट समेत भारत के अन्य हिस्सों में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में भूमिका निभाई। CIA के मुताबिक ISI ने हरकत को प्रतिमाह कम से कम $30,000 और अधिकतम $60,000 की मदद मुहैया कराई। $10,000 दाल आयात करेगी सरकार। सरकार ने दालों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर 5,000 टन अरहर और इतनी ही मात्रा में उड़द दाल आयात करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी MMTC दालों का आयात करेगी। आयातित दाल की पहली खेप मुंबई में 5 सितम्बर तक पहुँच जाएगी। हड़ताल से जनजीवन प्रभावित, बंगाल, केरल, त्रिपुरा में सबसे ज्यादा असर। केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बुधवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल और कर्नाटक सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। ट्रेड यूनियन नेताओं का दावा है कि संगठित क्षेत्र से करीब 15 करोड़ कामगार यूनियन की 12 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल पर रहे। भाजपा समर्थित BMS और NFITU ने हालांकि हड़ताल से दूरी बनाए रखी। सार्वजनिक क्षेत्र के 23 बैंक, निजी क्षेत्र के 12 बैंक, 52 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं 13,000 से अधिक सहकारी बैंक आज हड़ताल में शामिल हुए। हालांकि SBI, IOB, ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक हड़ताल में शामिल नहीं हुए। राधे मां के खिलाफ एक और FIR। मुंबई पुलिस ने TV अदाकारा डॉली बिंद्रा की शिकायत के आधार पर राधे मां और उनके परिवार के दर्जन भर से अधिक सदस्यों के खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज की है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्राथमिकी सोमवार को उपनगरीय बोरीवली पुलिस ने दर्ज की। बिंद्रा ने राधे मां के खिलाफ डराने, धमकाने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त उत्तर क्षेत्र फतेह सिंह पाटिल ने बताया कि पुलिस राधे मां को जल्द ही इस सिलसिले में तलब कर सकती है। ड्रोन के निशाने पर खूंखार ISIS आतंकवादी। अमेरिका ने सीरिया में ISIS के खूंखार नेताओं को निशाना बनाने के लिए एक पृथक एवं गोपनीय ड्रोन अभियान शुरू किया है। वाशिंगटन पोस्ट ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि CIA और सीरिया में मौजूद विशेष अभियान बलों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया यह अभियान ISIS के खिलाफ चल रहे व्यापक अमेरिकी सैन्य अभियान से अलग है। ISIS के खूंखार नेता, उसके कर्ता धर्ता और आतंकी नेटवर्क बनाने के प्रयासों में लिप्त संदिग्ध इस अभियान का निशाना है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।